मंत्री जी से 18-19 के मनरेगा के मजदूरी और सामग्री भुगतान के बारे में प्रश्न किया था, उनका उत्तर आया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, आपने बताया है कि 18-19 में 346.66 करोड़ रुपए जो है मनरेगा में मजदूरों की भुगतान लंबित है और 79.30 करोड़ रुपए सामग्री का भुगतान लंबित है, ये भुगतान आप कब तक कर देंगे? इसमें सदस्य महोदय ने जो जानकारी चाहिए है, मनरेगा के तहत मजदूरों को जो भुगतान होता है अध्यक्ष महोदय, सीधे केंद्र सरकार से उनके खातों में जा रहा है। राज्य सरकार के पास इसमें एक पैसा भी ना तो आता है ना लंबित रहता है। कहीं अगर उसकी दिक्कतें हैं, या तो केंद्र सरकार के पास राशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, या बैंक अकाउंट के लिंकेजेस में कई जगह प्रॉब्लम की बात आ रही है, उनको दूर करने में हम लोग सब लगे हुए हैं। तो किसी भी कारण से अगर लिंकेजेस के चलते विलंब हो रहा है भुगतान में, तो उस कारण से और केंद्र सरकार से लगातार हम लोग संपर्क में हैं कि वो राशि उपलब्ध करा दें। राज्य सरकार सामग्री की राशि का जो अपना हिस्सा है वो उपलब्ध है, केंद्र से जैसे ही आता है। हम केंद्र सरकार से राशि प्राप्त होते साथ उसका आवंटन करा देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 41 लाख मजदूरों ने काम किया, 41 लाख लोगों की रोजी रोटी की बात है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, आपने तो जवाब दिया कि केंद्र सरकार से राशि नहीं आया है या बैंक की लिंकेज की प्रॉब्लम है, कृपया आप ये बताएं, आपकी सरकार को बने 2 माह से ज्यादा हो गया, आपने इस राशि को लाने के लिए क्या प्रयास किया, या उन मजदूरों के प्रति आपकी सरकार की सहानुभूति है क्या कि उनको मजदूरी मिल जाए? माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार को 4/1/2019 और 14/1/2019 को स्मरण पत्र भेजे गए हैं। उसके अतिरिक्त हमारे प्रतिनिधि जाके वहां पर सचिवालय में लगातार संपर्क कर रहे हैं, फोन द्वारा भी लगातार संपर्क किया जा रहा है कि राशि का आवंटन जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा दिया जाए। और मैं आश्वस्त करना चाह रहा हूँ सदस्य महोदय को और सभी सदस्यों को कि हम लोग भी अत्यधिक चिंतित रहते हैं इस बात को कि मजदूरों का भुगतान 15 दिन के बाद लंबित ना रहे, और हर संभव प्रयास करेंगे उसके लिए कि जल्दी से जल्दी राशियों का आवंटन प्राप्त भी कर लें और भुगतान भी करें। ये आपने जो है पंजीकृत परिवार की संख्या बताया है 39,51,000, ये पंजीकृत परिवार है जो मनरेगा में काम करना चाहते हैं। सरकार की योजना है 150 दिवस काम देने का, 100 दिन केंद्र सरकार की और 50 दिन राज्य सरकार की, 150 दिन उनको काम मिले, इसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है? अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी कई बार सदन में रखी जा चुकी है, एक तो मनरेगा डिमांड आधारित माना जाता है कि जहां जहां काम मांगा जाता है वहां वहां काम खोला जाता है। अतिरिक्त उसके हम लोगों का ये भी प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक यदि अपने तरफ से, हालांकि ये शायद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए क्योंकि डिमांड आधारित है, कि काम खोलने के लिए पूछा भी जा सकता है कि कहीं आपको काम चाहिए, तो जहां से भी मांग आएगी, माननीय सदस्य महोदय को भी और सदन को भी, जहां से मांग आएगी काम तत्काल खोलने की व्यवस्था छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। और जो आपने 150 दिवस के लिए भी कहा है, कुल संख्या का बहुत ज्यादा प्रतिशत ना होगा, फिर भी 11,992 परिवारों को 150 दिवस का रोजगार और 2.73 लाख परिवारों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध हुआ है। हम इससे संतोष व्यक्त नहीं कर रहे, और ज्यादा ये लक्ष्य छत्तीसगढ़ राज्य हासिल करे बहुत अच्छा होगा, 100% हासिल कर ले कि जितने पंजीकृत परिवार हैं सब काम पे आ जाएं और सब 150 दिन का काम ले लें, हमारा प्रयास ये रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतिम प्रश्न मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ से सबसे ज्यादा मजदूर पलायन करते हैं और बंधक भी बनाए जाते हैं, प्रतिदिन जो है शिकायत आता है, और उसका कारण यही है कि मनरेगा के अंतर्गत उनको काम नहीं मिल रहा, और काम भी मिल गया है तो मजदूरी की कोई गारंटी नहीं है। मैं पुनः एक बार माननीय मंत्री जी से वही प्रश्न करना चाहता हूं कि जो आप मजदूरों की लंबित भुगतान है 346 करोड़ रुपए, जिसमें 12 करोड़ रुपए मेरे जिले का भी है,
और आपके जिले के सरगुजा का भी 14 करोड़ है, बलरामपुर का 2 करोड़ है और सूरजपुर का 32 करोड़ है। ये जो मजदूरी भुगतान है, कृपया आप समय सीमा तय करेंगे क्या कि निश्चित दिवस तक, दूसरे दिन आपने 15 दिन का जो है बात बताया कि 15 दिन में हो जाए करके, तो 15 दिन के बाद भुगतान कर रहे हैं क्या, उसको आप मनरेगा में जो नियम है उसके अनुसार उनको ब्याज देंगे क्या? अध्यक्ष महोदय, जो भी व्यवस्था है नियम कानून के तहत, उसके तहत भुगतान करने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। और सबके सामने ये बात है, किसी से छुपी ये बात नहीं है कि भुगतान आने में विलंब होता है, और प्रयास ये किया जा रहा है कि जहां 3-3, 4-4, 6-6 महीने में के विलंब से भुगतान होता था, उसकी अवधि को कम से कम किया जाए। लक्ष्य हमारा यही है कि 15 दिन के अंदर करें, और प्रयास हम लोग का उसी दिशा में रहेगा कि कम से कम दिनों के अंदर उसका भुगतान किया जा सके। और मैं इस बात को भी दिखवा लूंगा कि विलंब से राशि प्राप्त होने पर क्या पेनल्टी या जो ब्याज लगना चाहिए उसका प्रावधान है कि नहीं। मेरी जानकारी अनुसार केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाली राशि विलंब से प्राप्त होने पर उसमें पेनल्टी का प्रावधान एक्ट में नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मजदूरों का है, कृपया समय सीमा तय कर दें। आप 1 महीने में देंगे, 2 महीने में देंगे, 1 साल में देंगे, 2 साल में देंगे, एक निश्चित समय सीमा तो बता दें माननीय अध्यक्ष। मंत्री जी बहुत संवेदनशील है, वो आपके प्रश्न को समझते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, संवेदनशील होने से मजदूरों का जो है चूल्हा नहीं जलेगा माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको मजदूरी मिलेगा तब उनका चूल्हा जलेगा। चूल्हा भी जलाएंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है समय सीमा बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार बोलते हैं हम किसानों के प्रति संवेदनशील है, सब काम को रोक के उन्होंने कर्जा माफ किया, मजदूरों के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। ये समय सीमा बता दें, एक साल से काम किया है माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको मजदूरी का भुगतान नहीं मिला है, समय सीमा बता दें सदन पे बताना चाहिए। केंद्र सरकार से राशि प्राप्त होते साथ दूसरे दिन उनके खाते में आ जाएगा अध्यक्ष महोदय, हम लोग को कुछ नहीं करना है। और आपके साथ केंद्र सरकार भी चले चलेंगे, वहां भी सबसे बात करके माननीय विधायक जी समय देंगे तो मैं जरूर। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि केंद्र सरकार से राशि उपलब्ध होते ही हम भुगतान कर देंगे। संशोधन कर लीजिए, केंद्र सरकार से राशि खाते में ही जाती है, हम लोग को प्राप्त होते मतलब।